हेलो दोस्तों, मैं सीत कुमार आईपी टेक स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन क्लास। आज हम बात करेंगे एसक्यूएल सर्वर क्यूरी क्यों। जी हाँ, एसक्यूएल क्यूरी लैंग्वेज। अब माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में अगर मैं यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर मैंने स्टूडियो ओपन करता हूँ तो मेरा एसक्यूएल सर्वर का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ओपन होता है। अब एसक्यूएल क्यूरी जरूरी नहीं है कि एसक्यूएल सर्वर में भी चलता है। एसक्यूएल क्यूरी को हम एक्सेल में भी यूज करते हैं, एक्सेल क्यूरी को हम इस्तेमाल करते हैं पावर बीआई में, एक्सेल क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं हम एमएस एक्सेस डेटा टाइप में, पाइथन में, एसक्यूएल में, कहीं भी जहां भी डेटा डेटा पे काम हो रहा है और डेटा को मैनिपुलेशन करना पड़ रहा है वहां पे हमें एसक्यूएल क्यूरी की जरूरत पड़ती है। जैसे स्टेटमेंट में आइए, मेरे पास यहाँ एसक्यूएल सर्वर है, मैंने यहाँ से इसको कनेक्ट किया। कनेक्ट बाद कितने सारे मान लीजिए कि मेरे 6 AM जो मॉर्निंग में बैच चला हुआ डेटा यहाँ पे इसके टेबल में आते हैं, राइट। यहाँ पे हम क्यूरी पे जाते हैं। क्यूरी पे आने के बाद यहाँ मैं लिखता हूँ कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मान लीजिए SS डेटा। अब इसको जैसे रन करेंगे, रन करते देखिए पूरा डेटा यहाँ विजुलाइज हो गया। अब इसी चीज को अगर मान लीजिए मैं एक्सेल के साथ डेटा कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं इसके साथ डेटा कनेक्ट करना है, तो यहाँ फ्रॉम में, यहाँ पे फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर में जो हम सर्वर नेम लिखेंगे, यहाँ पे जो सर्वर नेम है, इस सर्वर नेम को जब यहाँ पे लिखेंगे, फिर डेटा नेम देते हैं 6 AM और यहीं पे डायरेक्ट क्यूरी लिख सकते हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम SS डेटा। अभी तो सिंपल सा क्यूरी है लेकिन इसमें बहुत सारे क्यूरीज हम डायरेक्ट रन कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा? देखिए एसक्यूएल क्यूरी के अंदर में डेटा जो डलता है वो कौन सा डलता है? जो लार्ज डेटा होता है, जो कि करोड़ों का डेटा होता है। अब मान लीजिए कि अगर मुझे सेल्स का डेटा चाहिए अपने डेटा बेसिस से, तो वहां पे पूरे जबी तक की जितनी भी कंपनी की सेल्स हुई है सारा का सारा डेटा आ जाएगा। लेकिन मुझे तो डेटा एक पर्टिकुलर मंथ का चाहिए या पर्टिकुलर ईयर का चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपली वेयर कमांड डाल दूंगा कि ईयर इक्वल टू 2023, तो सिर्फ 23 का डेटा आएगा, या मंथ डाले तो मंथ का डेटा आएगा। क्योंकि पूरा टेबल लोड करेंगे तो 65 10 लाख के बाद का डेटा लोड ही नहीं होगा, और मुझे जो डेटा चाहिए वो मैं यहाँ लिखूंगा या ओके कर दूं। अब सेम प्रोसीजर हम पावर बीआई में करते हैं, सेम प्रोसीजर हम सिक्वल क्वेरी में करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम जब अगर हमारे पास सिक्वल सर्वर है तभी एसक्यूएल क्वेरी को इस्तेमाल करते। देखिए डेटा यहाँ आ गया, यहाँ आपके एक्सेल के अंदर में भी आपके सामने होता है अदर सोर्सेज में माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी, माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी होता है। वहां से डेटा ले सकते हैं, ब्लैंक क्यूरी पे जाए खुद की क्यूरी लिख सकते हैं, क्यूरी ऑप्शंस में जाके हम इसकी क्यूरी को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह की क्यूरीज हम लिखेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट्स होता है। तो आपको सिक्वल क्यूरी लैंग्वेज, अगर आप डेटा पे काम करते हैं तो आपको सिक्वल क्यूरी लैंग्वेज पता होनी चाहिए। उसके अलावा अगर मान लीजिए आपको जॉब ढूंढ रहे हैं, Naukri.com वगैरह पे आप जाके देखेंगे तो आपको वहां भी जो है बहुत सारे जॉब्स में नौकरी आपको सिक्वल क्यूरी की जरूरत पड़ेगी। अब सिक्वल क्यूरी कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है कि हाँ आप आपको बड़ा सा बड़ा ये चाहिए, टाइम चाहिए, सीखने में प्रैक्टिस चाहिए। सिक्वल क्यूरी जो है 5-6 घंटे में सीखा जा सकता है। इसीलिए हमने एक वीकेंड क्लास ऑर्गेनाइज किया है, जी हाँ वीकेंड क्लास, जो कि सिर्फ सैटरडे और संडे 2 दिन कंडक्ट होगा, 3-3 घंटे, टोटल 6 घंटे में आपकी पूरी सिक्वल सर्वर को कंप्लीट कर दी जाएगी, जिसमें हम एसक्यूएल सर्वर
डेटाबेस के बारे में कंप्लीट लैंग्वेज को जानेंगे, जो मैंने अभी आपको एसक्यूएल सर्वर का जो मैनेजमेंट स्टूडियो समझाया वो सिखाएंगे, डेटा इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, आप डेटा कनेक्ट करना कि पावर बीआई, टैबलू, एक्सेल, वीवीए, किसी वेब पेज को या पीएचपी को कैसे हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, तो डेटा कनेक्शन भी आपको आपको यहाँ पे सिखाएंगे। तो कंप्लीट डेटा को समराइज करना, एनालाइज करना, विजुलाइज करना सिक्वल क्वेरी की मदद से वो आपके साथ हम करेंगे। तो टोटल 12 लोगों की सीट है, तो फटाफट ये नंबर है, इस नंबर पे अपने सीट को कीजिए बुक। और सैटरडे को, सर सैटरडे एंड संडे 12 से 3 ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।